पास दो दिल है, एक फिजिकल बॉडी का जो लेफ्ट साइड में है, जिसका काम ब्लड सर्कुलेशन करना पंपिंग के द्वारा, ये फिजिकल बॉडी का हार्ट है, और एक है योगियों का आध्यात्मिक दिल, जिसे कि चौथा चक्र भी कहा गया है, अनाहत। बात उसकी है, ईश्वर रहता कहाँ है? हृदय कमल में। इसलिए गोपाल सहस्त्र नाम में उस दिल के लिए नाम भी आता है, योगी हृदय पंकजावासो। पंकज यानी कमल, हृदय यानी हृदय के कमल पर ईश्वर का वास है। प्यारे, मैं जानती नहीं क्या होता है ये दिल, लेकिन इतना देखो, जब भी कहते हैं ना, दिल ने फिर याद किया, बुद्धि ने याद किया, कोई नहीं कहता, दिल ने फिर याद किया। वो कौन सा दिल? वो यही दिल है। और एक बात और भी स्पष्ट कर दो, साइंटिफिकली है, मान लीजिए अभी कोई एकदम जोर से आवाज़ हो जाए तो डायरेक्ट हार्ट अटैक नहीं आता, पहले हमें यहाँ सदमा लगता है, कभी भी रिमार्क करना यहाँ, लेकिन ये जितनी भी बॉडी की जो ये क्रियाएं हैं, एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के 100वें हिस्से में गुजर जाती है, इमीडिएट वो इधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर वक्त पे इलाज हो गया तो बात बन गई, अन्यथा हरि ओम तत्सत, राधे राधे। दिसंबर सर 2011, एक रात गले में दर्द हुआ, उसी दर्द में 4 संकीर्तन भी किए। जब तबीयत फिर भी नहीं संभली तो मुंबई जाने पर पता चला कि हार्ट अटैक हुआ है। जिस साहस, मानसिक बल और निडरता से विनोद अग्रवाल जी ने उस मुसीबत का सामना किया, वो सराहनीय है। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते, लेकिन भजन के बल से डॉक्टरों की अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से वो ठीक हो गए। वे बताते थे कि कोई भी डॉक्टर जब मेरी ये कहानी सुनता तो बस यही कहता, आपको देखकर विश्वास होता है कि भगवान सचमुच है। जीवन में हर संघर्ष को मुस्कुरा के टाल देना, कितनी ही परेशानियां हो सदा प्रसन्न रहना, आप जैसा तो बस आप ही हो। इसे सबके पास दो दिल हैं, और इस दिल को मजबूत करने के लिए केवल और केवल हरि नाम का आसरा ही पर्याप्त है। जब भी बात बनती है, वो कहते हैं ना मानसिक बल, यही मानसिक बल है। जितना नाम लेंगे, साउंड वेव्स उस हृदय कमल को और भी मजबूत कर देती है। अपनी ज़िंदगी के मैं अनुभव कह सकता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन उसी बल ने न जाने कैसी कैसी व्याधियों से, कैसे कैसे रोगों से बचा दिया। तो ये मजबूत था, हार्ट अटैक भी आया, हुआ कुछ नहीं, कुदरत ने 2 आर्टरी नई डेवलप कर दी, ना बाईपास हुआ ना स्टंट डले। ये बल कहाँ से आया? ये इसी का बल था जो इसने इसको थाम लिया।